तो आज कुछ भी ऐसा बेसिक से नहीं खाएगा दिल्ली में मिलता, छोले भटूरे नहीं खाएंगे, छोले कुलचे नहीं खाएंगे हम लोग, बटर चिकन शायद खा ले और कुछ ऐसा हैवी सा नहीं खाएंगे। आज हम खाएंगे डिफरेंट कुजीन जो बिल्कुल हटकर है। आज हम खाएंगे कश्मीरी फूड, द बेस्ट कश्मीरी फूड इन दिल्ली जो मिलता है चोर बाजार में। हम खड़े हैं बीकानेर हाउस में जहाँ पे इनका आउटलेट है चोर बाजार, इसका नाम इसलिए बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। यहाँ पे आपको चेहरे मिलेगी जो सबसे अलग है, यहाँ पे आपको बंगाल से मिला हुआ बेड मिलेगा जिसको इन्होंने टेबल पे कन्वर्ट कर रखा है, उठा उठा के पूरे रेस्टोरेंट का इन्होंने डिजाइन बना रखा है, लेकिन दिखने में सब एक जैसा बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही आपको कश्मीरी कुजीन दोनों साइड दिखाएगी, आपको कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम दोनों ही ये सब करते हैं। चलते हैं अंदर, टुडे इज द नॉनवेज हेवन। चलिए चलते हैं चोर बाजार। इसमें वेज और नॉन वेज वर्जन दोनों आते हैं। हमने नॉन वेज वर्जन ऑर्डर करा है जिसमें आपको बताया था, ये है आपका तबक मास्क, ये है कश्मीरी सीख कबाब, ये है आपका चिकन रोगन जोश, ये आपका नदरू है, यखनी आलू बुखारा है, ये हक है और टमाटर चटनी है। ये पूछ रहा है दिस इज फॉर अराउंड 1700 रुपीज बिफोर टैक्सेस, और साथ में लाल प्याज है, दही है और ये है अखरोट की चटनी। ये इनके समर मेन्यू में से हमने मंगवाया है, बेजिल फिश टिक्का, दिस इज द समर स्पेशल। ओके, कुरकुरी मकाई। इनके पास दोनों ऑप्शंस है, नॉर्मल जैसी इंडियन फूड होता है, इंडियन मतलब जो डिलीवर फूड होता है, दाल मखनी बटर चिकन, और स्पेशलाइजेशन इज इन द कश्मीरी फूड। ये आ गया हमारी अमेजिंग पालक पत्ता चाट, दिस इज गुस्ताबा। ओके, इसके साथ ही आता है, ये लास्ट में सर्व करते हैं। जब गुस्ताबा सर्व करते हैं, अगर शादी में आपको गुस्ताबा सर्व हो गया तो मान लीजिए ये कुछ नहीं मिलेगा, अब तो गुस्ताबा खा के चल लीजिए आप। और हम लोग अगर पंडार रोड बैठे हैं, यूजली पंडार लोग बटर चिकन खाने ही आते हैं, तो अगर आप इधर आओ तो आपको बटर चिकन भी अच्छा मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको बटर चिकन के बच्चे आपके साथ आते हैं तो बटर चिकन भी अच्छा मिलता है, वो भी हमने मंगवाया है। और कश्मीरी दम आलू का हमने पूरा पोर्शन भी मंगवाया है अलग से, और हमारे पास है कश्मीरी खट्टे बैंगन मिर्ची गली। And that's the amazing chef, restaurant के जो handle करते हैं पूरा food. So taste करके देखते हैं and बताते हैं कि कैसा खाना है यहाँ का। तो इससे पहले मैं starter से शुरू करता हूँ। तो ये जो है, ये this is your, ये मकई की जो कुरकुरी मकई। कौन के साथ है? This is our... Very nice. This is one of my favorite things, पालक पत्ता चाट। तो हम लोग अब fish taste करते हैं, this is the basil fish. तो हम लोग अब फिश टेस्ट करते हैं, दिस इज द बेजल फिश। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि कश्मीरी पंडित लोग नॉनवेज कैसे खा सकते हैं, वो काफ़ी हज़ारों सालों से नॉनवेज खा रहे हैं, उनका ट्रेडिशन है, बिकॉज वहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ती है एंड कश्मीरी पंडित वन ऑफ द पंडित कम्युनिटीज़ इन इंडिया जो नॉनवेज खाती है, काफ़ी और भी कम्युनिटीज़ नॉनवेज खाती है। तो शायद आपको वो कल्चरल एक्सपोजर ना हो, आपको शौक लग रहा हो, बट यही रियलिटी है। वेरी नाइस, जैसे परोसते वैसे हाथ से खाऊंगा मैं इसको। तबक मांस है, ये जो है ये छाती का पीस होता है, दिस इज़ क्वाइट फैटी। इसको पहले दूध के अंदर उबाला जाता है कुछ हर्ब्स और मसालों के साथ, फिर इसको पैन फ्राई करा जाता है देसी घी। वो कश्मीरी यूजली चावल ज़्यादा खाया जाता है, जो कितना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। तो तबक मास वो डिश है जिसमें आपको जो मटन का ना एक्चुअल फ्लेवर महसूस होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया मटन की सीख है, जूसी। नदरू, नदरू जो है कश्मीर में काफ़ी उगता है, इसके काफ़ी सारे चीज़ें बनती हैं, लेक्स के अंदर बड़े आसानी से उग जाता है। तो ये लोटस स्टेम हो गया, ये नदरू यखनी, पंजाबी में इसको भे बोलते हैं, भे। ये है टमाटर की चटनी इनकी। मैंने आपको स्टार्ट में गलत बोला था, ये दम आलू नहीं है, ये आलू बुखारा कोरमा है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, आलू बुखारा की जो सारनस है काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्लेवर इन्हांस कर दीजिए, इट्स वेरी स्पाइसी। अब ये हक खा रहे हैं हम लोग, ये कश्मीरी साग है, फ्लेवर्स आर माइंड ब्लोइंग। तो कीपिंग इन ट्रेडिशनल लाइफ में जो गुस्ताबा है वो बिल्कुल एंड में खाऊंगा। ये है कश्मीरी दम आलू। तो यूजली क्या होता है, दम आलू को जब हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कश्मीरी तो दम आलू है वो स्टफ़ होएगा, अंदर से स्टफ़ नहीं होता। इसके भी दो वर्जन आते हैं, वन इज़ द मुस्लिम वर्जन, वन इज द पंडित वर्जन, बट दिस इज़ द ग्रेवी एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, ये वो स्टफ़ वाला वर्जन नहीं है। तो इसके अंदर आप राइस चाहे जितने मर्जी ले सकते हो, दिस इज़ नो लिमिट टू राइस एंड द ग्रेवी ऑल्सो, ग्रेवी ऑल्सो कैन दे। यूजली आई डोंट ईट विद हैंड और मैं कटरे के खाता हूँ, लेकिन जब ट्रेडिशनली सब खाना कहते मुझे लगा कि
Let's try and eat with hand also. This is the kathe bangan. Bangan India में काफी type का बनाया जाता है, पंजाबियों में ये कश्मीरी स्टाइल, फिर बिहारी स्टाइल, साउथ में चले उनका अलग वर्जन होता है. वेरी नाइस. तो हमारे मेन्यू में एक और चीज थी विच इज कटहल का कोफ्ता. मैंने अलग से ऑर्डर करा है. एंड ऑल्सो इसी के साथ हम लोग बटर चिकन भी टेस्ट करेंगे विद द लेग पीस. एंड दिस इज द टिपिकल कलर दिल्ली के बटर चिकन का. लुक एट दैट गाइस. काफी बढ़िया टेस्ट है बटर चिकन का, जैसा दिल्ली का होता है. वेलवेटी ग्रेवी. एंड ये है स्पेशल कटहल का कोफ्ता. काफ़ी बढ़िया है टेस्ट में. मतलब कटहल का कोफ्ता खा के ऐसा लग रहा है कि इट्स द फर्स्ट नेचुरली मॉक मीट. मतलब लोग तो अभी इसको यूज़ करना शुरू कर इंडिया में, तो जैक फ्रूट काफ़ी सालों से ग्रेवी में एज अ सब्स्टिट्यूट टू मटन मीट यूज़ होता है. मुझे इतना बढ़िया लग रहा है कि बटर चिकन से भी अच्छा है. गुस्ताबा खा रहा हूँ मैं. थैंक यू. तो ये बोल सो दिस इज लाइक अ कश्मीरी सॉसेज. यहाँ पे आके यू कैन बी श्योर कि आपकी जो मीट की क्रेविंग है ना पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी. एंड यू कैन टेक दिस शॉर्ट ट्रिप टू कश्मीर एंड एन्जॉय अमेजिंग कश्मीरी फूड एट चोर बाजार इन बीकानेर हाउस. मस्ट रेकमेंड प्लेस फ्रॉम मी. तो अभी आ सकते हो, मुझे बताना कि आपको इन सब में से क्या अच्छा लगा. अगर पर्सनली आप पहली बार आ रहे हो और समझ में आ रहे हो तो समझ में बोलूँगा कि ये मकई के आप स्टार्टर्स ले लो, प्लस ये कटहल जैक फ्रूट का जो कोफ्ता जो है कटहल का वो ले लो, एक तरामी आप ले लो. You will be more than satisfied. Amazing food. Thanks for joining us and giving us your time. Take care.